दिल से न्यूज। तो दोस्तों, बीजेपी में शामिल होने से पहले रघुराज परसपा के प्रदेश उपाध्यक्ष के पद रहे थे। रघुराज 5 साल शिवपाल सिंह के साथ रहे और जब शिवपाल सिंह ही खुद सपा के लिए प्रचार करते दिखे और फिर विधानसभा चुनाव में रघुराज शाक्य को इटावा सदस्य दावेदारी पेश करनी थी। और भी बहुत कुछ हुआ इस खबर में दोस्तों, ये सब जानकारी प्राप्त करने के लिए बने रहिए इस वीडियो के साथ। हम आपको इसी तरह की और भी तमाम चीजें इसी वीडियो में बताने वाले हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट पर लड़ाई चल गई है। ये लड़ाई मुलायम सिंह की सीट को हथियाने की है, जिन मुलायम सिंह के बल पर समाजवादी पार्टी यहां दशकों से जीतती आ रही थी, वो मुलायम सिंह यादव अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। अखिलेश ने अपने पिता की सीट को न खोने का इंतजाम ऐसा किया है कि अपने सबसे विश्वसनीय उम्मीदवार डिंपल यादव को पिता मुलायम सिंह की सीट के लिए चुना है। दोस्तों, फिर अखिलेश ने आलोक को मैनपुरी का अध्यक्ष बनाकर शाह की वोट भी इकट्ठे करने के लिए चुना है। बीजेपी ने भी अखिलेश के चाल पर चाल खेलते हुए फैसला किया। मैनपुरी लोकसभा सीट से बीजेपी ने रघुराज शाक्य को अपना प्रत्याशी चुना है। दोस्तों, यानी कि अब डिंपल यादव की टक्कर बीजेपी के रघुराज शाक्य से होगी। इस साल फरवरी में ही प्रगतिशील समाजवादी पार्टी छोड़कर विशपाल सिंह यादव के करीबी रघुराज शाक्य ने बीजेपी का हाथ पकड़ा था और शाक्य 2 बार सांसद भी रह चुके हैं। तो दोस्तों, ऐसे में डिंपल के लिए रघुराज कैसे मुश्किलें खड़े करते हैं वो तो देखने वाली बात है। कितने मजबूत है बीजेपी के प्रत्याशी रघुराज शाक्य। दोस्तों, बीजेपी में शामिल होने से पहले रघुराज परसपा के प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर थे। रघुराज 5 साल शिवपाल सिंह के साथ रहे और जब शिवपाल सिंह ही खुद सपा के लिए प्रचार करते दिखे और फिर विधानसभा चुनाव में रघुराज शाक्य को इटावा सदस्य दावेदारी पेश करनी थी, लेकिन यहाँ सर्वेश वाक्य को मैदान में उतार दिया गया, जिससे नाराज रघुराज शाक्य ने परसपा छोड़कर बीजेपी का हाथ थाम लिया है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि बीजेपी ने इतनी इज्जत दी कि सीधा उन्हें मुलायम सिंह यादव की ही सीट का उम्मीदवार बना दिया। आखिर क्या है रघुराज शाक्य को प्रत्याशी बनने की वजह? मैनपुरी लोकसभा सीट पर भाजपा ने जातिगत आंकड़ों को साधने की कोशिश की। यादव के बाद शाक्य जाति के मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है। रघुराज शाक्य इटावा के जसवंत नगर के मूल निवासी हैं। रघुराज शाक्य लंबे वक्त से सपा से जुड़े रहे हैं। ये शिवपाल सिंह यकदेव के बेहद करीब हैं। शिवपाल सिंह के अलग होने पर उन्होंने भी सपा छोड़ दी थी। शिवपाल गट आज भी उनके साथ खड़ा है। वह 2 बार सांसद और 1 बार विधायक रह चुके हैं। उन्हें चुनाव लड़ने का बहुत अनुभव है। तो दोस्तों, यही सब वजह है कि जो रघुराज शाक्य पर बीजेपी ने इस बार दांव खेला है, इससे अखिलेश की टेंशन और भी बड़ी है। दोस्तों, आपको बता दें कि मुलायम सिंह के निधन से खाली हुई मैनपुरी लोकसभा पर 5 दिसंबर को चुनाव होने जा रहा है और इस चुनाव की घोषणा 8 दिसंबर को होगी। इस सीट के लिए नाम डालने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस प्रक्रिया की आखिरी तारीख 17 नवंबर है। तो दोस्तों, इससे पहले ही बीजेपी ने अपनी चाल चल दी है। अब क्या अखिलेश के लिए इस सीट को हासिल करना आसान होगा? दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, हम इसी तरह की वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर सकते हैं। इससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। और दोस्तों, आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए करिए, ताकि ये वीडियो उन तक पहुँच पाए जो इस चैनल तक नहीं पहुँच पाए हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए आइए देखते हैं एक और बड़ी खबर। दोस्तों, सुनने में आ रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान की पाकिस्तान की यात्रा मुलतवी होने के पीछे का कारण इमरान खान को बताया जा रहा है। मोहम्मद बिन सलमान को कुछ वक्त के लिए भारत में भी आना था, लेकिन एक रणनीति के कारण अब वो भारत नहीं आ रहे हैं। सऊदी अरब ने अब बड़ा खेल रच दिया है। और क्या कुछ है दोस्तों इस खबर में, ये सारी तमाम चीजें आपको बताएंगे इसी वीडियो में। तो पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान का डर अब हकीकत में बदलने वाला है। इंडोनेशिया में
होने वाली G20 बैठक में कुछ ऐसा होने वाला है जिसे पाकिस्तान कभी नहीं देखना चाहता है। दोस्तों, पाकिस्तान में अभी से चर्चा होनी शुरू हो गई है। G20 बैठक में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान मुलाकात करने वाले हैं। दोस्तों, ये मुलाकात ऐसे समय पे हो रही है जब सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी पाकिस्तान की यात्रा को मुलतवी कर दिया है। दोस्तों, आपकी ज्यादा जानकारी के लिए बता दें कि मोहम्मद बिन सलमान इसी महीने पाकिस्तान आने वाले थे। मोहम्मद बिन सलमान की इस महीने की यात्रा जब मुलतवी हो गई है, पाकिस्तान को इस बात का बहुत बड़ा झटका लगा। पाकिस्तान को इसलिए इस बात का जोरों से झटका लगा क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान को 12 अरब डॉलर का निवेश करने वाले थे। दोस्तों, पाकिस्तान को मोहम्मद बिन सलमान से ये तक उम्मीद थी कि उसको सऊदी अरब से वित्तीय पैकेज भी मिल जाएगा, लेकिन एक ही झटके में पाकिस्तान के सारे सपने चकनाचूर हो गए। दोस्तों, सुनने में आ रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान की पाकिस्तान की यात्रा मुलतवी होने के पीछे का कारण इमरान खान को बताया जा रहा है। मोहम्मद बिन सलमान को कुछ वक्त के लिए भारत में भी आना था, लेकिन एक रणनीति के कारण अब वो भारत नहीं आ रहे हैं। सऊदी अरब ने अब बड़ा खेल रच दिया है। दोस्तों, इन सब के बीच सबसे बड़ी दिलचस्पी की बात तो ये है कि मोहम्मद बिन सलमान भारत न आकर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर पाएंगे। दोनों ही नेता इंडोनेशिया में होने वाले G20 सम्मेलन के दौरान मुलाकात करने वाले हैं। दोस्तों, मोहम्मद बिन सलमान जानते हैं कि अगर मोदी से उनकी मुलाकात हो रही है तो कुछ टाइम के लिए भारत में जाकर पाकिस्तान को नाराज करने का कोई फायदा नहीं है। दोस्तों, मोहम्मद बिन सलमान भारत ना आकर भी भारत के प्रधानमंत्री को मिल पा रहे हैं, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान ना जाकर अपनी मन की बात कह डाली है। भारत अपनी कूटनीति के कारण सऊदी अरब को पाकिस्तान से दूर करने में सफल रहा है। दोस्तों, ये सोचना तो गलत होगा कि सऊदी अरब से पूरी तरह पाकिस्तान से रिश्ता तोड़ेगा अपने फायदे के लिए। सऊदी अरब को पाकिस्तान की भी जरूरत होती है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि पाकिस्तान की हैसियत सऊदी अरब के पार्टनर की नहीं बल्कि एक सामान जैसी हो गई है जिसका जरूरत के समय इस्तेमाल किया जा सके। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि सऊदी अरब और भारत के बीच के रिश्ते बड़ी मजबूत होते जा रहे हैं। दोनों ही देश रणनीति, तेल और गैस और कई ऐसे और काम हैं जिनको लेकर दोनों के बीच अच्छे खासे संबंध हैं। भारत को कच्चे तेल और गैस की जरूरतों के लिए बड़ा हिस्सा सऊदी अरब पूरा करता है। दोस्तों, सऊदी अरब में काम करने वाले भी ज्यादातर लोग भारत देश के ही हैं। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है? दोस्तों, आपकी जो भी राय है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, हम इसी तरह की वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए दोस्तों, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा ताकि ये वीडियो उन तक पहुंच पाए जो इस चैनल तक नहीं पहुंच पाए हैं। यहां तक बने रहने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई खबर के साथ।